नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम बना रहे हैं अच्छे भुजे भुजे की रोटी। ठीक है, हम तेल आए हैं दोस्तों, ये देखिए। अब हम आपको इनकी बना के दिखाएंगे रोटी, इनमें क्या क्या मसाला दिखता है, कैसे हम लोग बनाते हैं। हम इनको मुंगरी की लगड़ी कहते हैं, गांव में उत्तराखंड में मुंगरी की लगड़ी। दोस्तों ये देखो, और ये है, ये हमने आधे आधे करे हैं, ये अभी हम इनको कर रहे हैं। देखो ये छिल रहे हैं दोस्तों, ये देखिए, ये हमने इतने छिल दिए। ठीक है, अभी इनको हम पीसेंगे और बनाएंगे भुट्टे की रोटी। यहाँ भुट्टे की रोटियां गांव में मुंगरी की लगड़ी। ठीक है दोस्तों, जब आप बनाएंगे आपको दिखाएंगे। अब हम ये छिल रहे हैं, देखो हमने ऐसे कब छिल दिए, अभी ऐसे करेंगे। ठीक है, अब ये लास्ट है दोस्तों, ये हम बाजार से खरीद के लाए थे। जब पूरी इसको हम इनके दाने निकाल देंगे तब हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ये रह रही है, ये हमने आधे दाने निकाल दिए इसके, ये। ठीक है दोस्तों, खूब बनाते हैं, बरसात में होता है। अभी मैं इसको पीसूंगी भी, आपको दिखाऊंगी कि इसमें कौन कौन सा मसाला जाता है। अभी हम तड़केंगे दाल, ये हमने बनाई है मसूर की दाल। ठीक है दोस्तों, ये देखो, अब हम इसमें पलटेंगे, तो ये तड़का पहले इसमें रखेंगे। ये है मसूर की दाल, हमने इसमें सब कुछ डाल दिया था, इसमें नमक मिर्ची जो भी है, नमक मिर्ची धनिया और सब डाल दिया था। ठीक है, अब इसमें सिर्फ तड़का लगेगा। अब हम इसमें लगाएंगे दोस्तों देसी घी का तड़का। दोस्तों ये देखो, देसी घी डाल दिया पैन में, तड़का पैन। ठीक है, और इसमें जाएगा ये प्याज, थोड़ा साबुत धनिया और जीरा, और ये साबुत खड़ी मिर्च लाल। पहले हम डालेंगे इसमें प्याज। ठीक है दोस्तों, प्याज भून गया हमारा तड़का, और ये जाएगा इसमें देखो दोस्तों, साबुत धनिया, खड़ी मिर्चें और हमारा जीरा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जाएगा दोस्तों इसमें ये देखो, ये हींग। चलिए देखो दोस्तों, ये हमारा दाल में लग गया। ठीक है दोस्तों, दाल में हमारा बढ़िया सा तड़का लग गया। ठीक है दोस्तों, दाल हो गई हमारी तैयार, अब इसकी करेंगे। दाल तो हमारी हो गई तड़क के तैयार। अब देखो जी, ये है लहसुन और ये है हरी मिर्ची, ये दोनों इसमें जाएंगे, इसकी पेस्ट बनाऊंगी मैं। ठीक है जी, देखो ये इसमें जाएगा मिक्सी में, ये भी, और थोड़ा इसमें जाएगा नमक, फिर इसको मिक्स करेंगे। ये है भुट्टा के चीले, और हमारे में गांव में बोलते थे ताजा भुट्टा के मुंगरू की रोटी, भुट्टा की रोटी बोलते थे गांव में। ठीक है दोस्तों, ऐसे पीस के दिखेगा, हरी मिर्च मिर्च डाल के, लहसुन डाल के, ऐसा ये दरदरा सा होना चाहिए। ठीक है,
ऐसा पेस्ट होना चाहिए ये। आज ये भुट्टे के चीले हमारे उत्तराखंड में हम इसको बहुत खाते थे। अब ये मिर्ची लहसुन सब है इसमें, ये इसके साथ जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा कम करेंगे हम इसको, भर गया ये, थोड़े फिर डालेंगे थोड़े इसको। तो दोस्तों हमारा ये भी पीस के तैयार हो गया ये। अब ये इसके साथ मिक्स करेंगे, थोड़ा ग्रीन लग रहा है, इसमें मिर्ची भी है और लहसुन भी है, इसको भी इसके साथ हम मिक्स करेंगे। नमक भी है इसमें और थोड़ी सी इसमें लाल मिर्ची भी डालेंगे, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हल्दी, और फिर आपको चीला बना के दिखाएंगे, यानी मूंग भुट्टे की रोटी, ताजे ताजे भुट्टों से ये बनेगी आपके ताजी रोटी। ये हम गांव में बहुत खाते हैं और खाते थे पहले, बरसात में हमारे यहाँ बहुत भुट्टे होते थे। वैसे ये धनिया जाएगी इसमें, थोड़ी सी ये लाल मिर्ची जाएगी, मिर्ची तो नहीं, थोड़ा सा ये हल्दी जाएगा, थोड़ा सा नमक उसमें डाला था मैंने ना, थोड़ा नहीं ठीक, पर थोड़ा सा भी ये नमक जाएगा। अब इसको हम मिक्स करेंगे। देखो ये हम ग्रीस कर रहे हैं इसको, ठीक है, फ्राई पैन को, नॉन स्टिक फ्राई पैन को हम इसको ग्रीस कर रहे हैं। और सरसों के तेल में बड़ा स्वादिष्ट बनते हैं, सरसों के तेल में बनाते हैं हम। ठीक है दोस्तों, देखो इसका हमने ये बटर डाल दिया है और ये बन रहा है। ये ताजे भुट्टे के चीले ये आंच थोड़ी कम रखनी है, अच्छे से तवा ये गर्म होना चाहिए, तवे में बनाओ किसी चीज में भी, थोड़ा सा मतलब आंच कम करनी है जिस टाइम तुम करोगे ना, आंच कम करनी है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा इसमें ढक्कन लगा देते हैं, है ना, कम करके। दोस्तों देखते हैं कैसे हुआ चीला। अब इसको दूसरी तरफ पलटेंगे, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हल्का सा अब इसमें सरसों का तेल डाल देंगे और ये आराम से पक जाएगा। इसमें सिर्फ हरी मिर्ची और मेन लहसुन और हरी मिर्ची है इसका मसाला, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। और थोड़ा धनिया और थोड़ा सा अपना हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च, अपना चटपटा करना चाहते हो तो डाल सकते हो। तो बाकी इसका हरी मिर्च, नमक और लहसुन मेन इसका यही है, बाकी और कुछ नहीं है। ये इधर से सीख गया, इधर से सीख गया, ठीक है दोस्तों, जल्दी से खाने आ जाओ। और इसमें घी रख के खाते हैं, घी में भी खा सकते हो, और इसमें इसको दही में नहीं खाते हम लोग, इसमें चाय और घी के साथ बड़ा मस्त लगता है। आप भी जरूर बनाना और खाना दोस्तों। देखो अब कराना हो गया, ऐ अब हमारा दूसरा बनने जा रहा दोस्तों। तो थोड़ा सा चलाने में टाइम लगता है, ठीक है, अब ये बनेगा दोस्तों। दूसरा वाला भी हमारा बढ़िया से पलट गया, ठीक है दोस्तों, पलट गया, ठीक है, देखो बढ़िया से ये भी सीख जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऐसे बनाना और खाना। और नहीं बनाना आता तो जल्दी से मेरे घर आ जाना, मैं सबको खिला दूंगी। दोस्तों देखो ये हमारा दूसरा बनके तैयार हो गया,
जिसको खाना है जल्दी से आ जाओ। और ये ताजे भुट्टे की चीले बना के जरूर खाना। अब यहाँ दिल्ली में भी आ गए हैं और जरूर खाना, कच्चा कच्चा छील के खाना। और दोस्तों नमस्कार, देखिए हमारा ये एक ये हो गया और एक ये दोस्तों, ठीक है अभी हमारे दो बन गए और ये है दोस्तों हमारे ताजे भुट्टे के चीले। थोड़े हम मोटे बनाते हैं, ताजा होता है ना, तो इसमें हरी मिर्च लहसुन सब कुछ है। और जल्दी से आओ दोस्तों, खा लो। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।